होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। जिंदगी तुझसे हर कदम समझौता क्यों किया जाए, शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहसिन खान एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका जिंदगी में। दोस्तों, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो फिर क्यों हम किसी को मजाक का पात्र बनाते हैं? हम क्यों किसी को इतना कॉन्शियस कर देते हैं कि फिर वो बाहर भीड़ में जाने से कतराता है? क्यों हम किसी के मोटापे को उसकी जिंदगी का दर्द बना देते हैं? हम क्यों नहीं उस इंसान की हिम्मत बनते हैं, उसकी मदद करते हैं? दोस्तों, आज इस एपिसोड का यही मकसद है कि हम ओबेसिटी के खिलाफ लड़ सकें, उसे एक अभिशाप ना बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं मोटापे के खिलाफ आज की हमारी इस मुहिम को। लूज वेट नाउ, आस्क मी हाउ। क्या आप भी किसी ऑटो के पीछे लिखे ऐसे विज्ञापन को पढ़कर अपना फोन तुरंत अपने बैग से बाहर निकालते हैं? क्या आप भी गूगल बाबा पर दिन भर पतले होने के नुस्खे ढूंढते हैं? क्या आप भी मोटापे से परेशान हैं? वो मोटापा जिसने आपका कॉन्फिडेंस लेवल जीरो कर दिया है? तो हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। वैसे तो मनुष्य को कुदरत की तरफ से संतुलित और सुडौल शरीर मिलता है, पर हम अपने गलत रहन सहन, बुरी आदतों और खाने पीने की आदतों की वजह से अपने शरीर को बेडौल बना लेते हैं। वैज्ञानिक रूप से मोटापा हम उसे कहते हैं जिसमें शरीर का वजन उसकी ऊंचाई के प्रोपोर्शन से ज्यादा होता है। आज हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते ओबेसिटी यानी मोटापा एक बीमारी के रूप में तेजी से फैल रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम शारीरिक श्रम उतना नहीं करते जितना हमें करना चाहिए, जिसके चलते हम कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, साल 2010 में दुनिया भर में 40 मिलियन बच्चे मोटापे से ग्रस्त थे। साल 1980 के बाद लोगों में बढ़ते मोटापे की दर दोगुनी हो चुकी है। दुनिया भर में लोगों को मोटापे से अपनी जान का खतरा 5वें नंबर पर है। विश्व जनसंख्या के 30% लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि मोटापा अपना माया जाल फैला रहा है और हम उसका शिकार हो रहे हैं। मोटापा घटाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जरूरत है तो बस थोड़े से मोटिवेशन की। अपना ध्यान रखें और इस बीमारी को अपने पर हावी ना होने दें। अपनी पर्सनालिटी को मोटापे का गुलाम ना बनाएं। थोड़ी हिम्मत और मेहनत आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगी। कोई साथ दे या ना दे, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। दोस्तों, आज मोटापा हम सबकी जिंदगी का दर्द बन चुका है। हम ना सही, लेकिन बदलते लाइफस्टाइल की वजह से हमारे परिवार में कोई ना कोई इस बीमारी से ग्रस्त होता ही है। और मोटापे से ग्रस्त लोग किस मानसिक विकार से होकर गुजरते हैं, ये शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते। मोटापे की वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसे एक ओबेस व्यक्ति ही फेस करता है, और क्यों और कैसे हो सकते हैं आप भी इसके शिकार, और उससे बचने के उपाय, ये सब हम आपको बताएंगे हमारे आज के इस एपिसोड में। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बरखा नांगिया जी,
जो एक इवेंट कंपनी की डायरेक्टर हैं, रुचिका कृष्णानी जी जो एक ब्रांड एंड क्रिएटिव कंसल्टेंट हैं, टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर सपना खेमानी जी, एक और इवेंट कंपनी की डायरेक्टर दिव्या जैन जी, सज्जन जैन जी जो एक बिजनेसमैन है। हम स्वागत करते हैं विजय मोंगा जी का। लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे डॉक्टर देवेश सिंह जी। आप सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सबसे पहले बरखा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि किस किस तरह की प्रॉब्लम से एक ओबेस पर्सन को होकर गुजरना पड़ता है। आजकल के लाइफस्टाइल में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है या कोई स्ट्रेस लेवल्स किसी के हाई हैं। बाहर दुनिया को नहीं मालूम कौन किस चीज से गुजर रहा है। अगर हम एक अब बात करें कि कौन कौन सी परेशानियों से हमें गुजरना पड़ता है, एक छोटा सा एग्जांपल है, अभी बहुत सारे विदेशी ब्रांड्स जो हैं वो इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं अपनी गारमेंट्स की, यू नो, हम वहाँ पर भी जाते हैं तो भी हमें प्लस साइज नहीं मिलते, जबकि इंटरनेशनल कंट्रीज में उसी ब्रांड के अच्छे खासे प्लस साइजेस अवेलेबल हैं। हम शॉपकीपर को देखते हैं, पूछते हैं, तो शॉपकीपर भी थोड़ा हंसने जैसी शक्ल बनाते हैं कि नहीं मैडम, आपके साइजेस नहीं है। सबकी अपनी अपनी वजह होती है, डिफरेंट लाइफस्टाइल है सबकी, किसी किसी वजह से लोग मोटापे का शिकार होते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आपके पीछे क्या वजह रही है? अगर आप मेरी 5 साल पहले की तस्वीर देखेंगे तो शायद मैं ऐसी नहीं थी। ऐसा 5 साल में क्या हो गया? मेरे हार्मोनल प्रॉब्लम्स थे बहुत सारे, मुझे जो भी प्रॉब्लम्स रही गायने से रिलेटेड, मैंने बहुत चक्कर काटे और गुड़गांव के कुछ डॉक्टर्स ने मेरा जो ट्रीटमेंट है वो गलत किया, और वो एक नहीं 3 डॉक्टर्स थे। तो आप डॉक्टर्स को ब्लेम कर रही हैं इसके लिए? मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ये बिल्कुल ठीक है, मुझे गलत हार्मोन्स दिए गए जिसकी वजह से मेरा शरीर फैलता गया। जो 5 साल पहले बरखा को लोग जानते थे, जो उनका फ्रेंड सर्कल था, जहाँ भी आप मिलते जुलते थे, और वो 5 साल बाद आज जो वो लोग हैं, कुछ फर्क नजर आया है या 5 साल के भीतर कोई ऐसे कमेंट कुछ ऐसा सुनने को मिला हो, किस तरीके की स्थिति से आप होकर गुजरी है? कुछ अगर जिन लोगों को, हाँ, जिन लोगों को नहीं पता कि मुझे किस तरीके की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा मेडिकली, वो लोग मुझे बोलते हैं तूने अपने आप को क्या कर लिया, तू पहले बहुत अच्छी लगती थी, अब तू बहुत मोटी हो गई है, कुछ करती क्यों नहीं है। चाहे मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाऊं, लेकिन उनके साथ अगर मैं 2 चीजें ज्यादा खा लूंगी तो बोलेंगे तू इतना खाती है, यू नो, ये सब चीजें सुनने को मिलती हैं, जो कि एक्चुअली में नहीं, मुझे पता होता कि उनको नहीं मालूम कि मुझे किस तकलीफ से गुजरना पड़ा है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं पतली हो जाऊँ, लेकिन कभी कभी अब जैसे हमारा इवेंट कंपनी है और हम लोग काम नॉनस्टॉप करते हैं, उसकी वजह से हम लोगों को कभी टाइम नहीं मिल पाता, कभी हम एक जगह पे नहीं है, दिल्ली में नहीं है, कहीं बाहर शोज कर रहे हैं, तो दैट्स हाउ वी आर नॉट एबल टू इवन मैनेज। जो आपकी जीने की दिनचर्या है, जो आपका काम है, वो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह है। मैं ये नहीं बोलूंगी, बल्कि हमारे काम में ज्यादा भागदौड़ होती है, मैं तो फिर भी पतली नहीं हो पा रही हूँ। तो आप कोशिशें कर रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। रुचिका जी, आपके पास आते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, आपकी कहानी सुनना चाहेंगे कि आपकी इंस्पिरेशन कौन बना? एक्चुअली मैं, मेरी इंस्पिरेशन मेरी प्रॉब्लम्स बनी, जिन्होंने हमेशा मुझे इंस्पायर किया कि मैं आगे बढ़ूं और कुछ नया करूं। किस तरह की प्रॉब्लम्स, क्या हुआ? देखो, मैं एक क्रिएटिव बैकग्राउंड से हूं और मेरा मेजरली सिटिंग काम होता है, घंटे नहीं घंटों बैठती हूँ मैं कंप्यूटर के आगे और स्केचिंग करती हूँ और प्लस कुछ ना कुछ डिजाइन करती रहती हूँ। सो इट्स लाइक कभी कभी होता है कि हम लोग टाइम नहीं दे पाते जो हमारा रूटीन होना चाहिए, और मैं मोटी इसलिए हुई हूँ कि मैं खाना टाइम पे नहीं खाती हूँ। खाना ना खाने की वजह से आप मोटी हो गई? मेरे को, बल्कि अक्सर हम दर्शकों जो हमारे देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहेंगे, ये कहा जाता है जब कोई हमारे साथ का दोस्त, कोई फैमिली मेंबर कोई ज्यादा खाता है, तब हम कहते हैं कि यार ज्यादा मत खा, मोटा हो जाएगा। यहाँ दूसरी बात निकल के आ रही है, रुचिका जी का कहना यह है कि वो खाना नहीं खाती इसलिए वो मोटी होगी। हाँ जी, मेरे को मेरे डाइटिशियंस ने एडवाइस किया है कि इन एवरी 2 आवर्स यू हैव टू ईट, हर 2 घंटे में आपको खाना है, तब जाके आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। आपको काफी तकलीफें फेस करनी पड़ती है भूखे रहने की वजह से भी। मेरे को थायराइड हो चुका है इस टाइम पे, बट स्टिल अब मेरा नॉर्मल है और थोड़ा मैं हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रही हूँ, पर मेरा करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लस मैं जो क्रिएटिव काम करती हूँ, सिटिंग जॉब है, और थोड़ा मैं ध्यान देती हूँ अपने उस पर, लाइफस्टाइल पे। बरखा जी और रुचिका जी की अगर बात मानी जाए तो कहीं ना कहीं जो इनका करियर है, जो काम है, वो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह निकल कर आ रहा है। जो उनकी लाइफस्टाइल है, कहीं ना कहीं उन्हें बैठना पड़ता है, इतना समय वो अपने आप को नहीं दे पाते कि वो फिट रह सके, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है इसके पीछे।
सपना जी, किस तरह की दिक्कतें हैं जो आती हैं, खासकर जब इंसान अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर देता है? सबसे पहली दिक्कत तो ये आती है कि कॉन्फिडेंस लूज कैसे हो गया। सबसे पहले यही सोचना पड़ता है, अभी तक तो, कल तक तो सब ठीक था, आज क्या हो गया? सामने वाले ने अगर इतना कह दिया कि क्या हो गया, आज कुछ ज्यादा खा लिया, कपड़े यहाँ से टाइट हो रहे हैं या वहाँ से टाइट हो रहे हैं। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए बहुत लोग हैं हमारे आसपास। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, शायद आपके क्वेश्चन से अलग हो गया मेरा जवाब। इंसान में कोई भी कमी हो सकती है, ये तो आज हम मोटापे को लेकर बात कर रहे हैं। घर से बाहर निकलने से पहले वियर कॉन्फिडेंस एंड वियर योर स्माइल। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी रोक सकता है, आपका वो मोटापा हो या पतलापन हो, क्योंकि पतलापन भी बहुत बड़ी वजह है आजकल अंडर कॉन्फिडेंस होने के लिए। दशक से ये जीरो फिगर और सारी चीजें सामने आई है। जो जीरो फिगर का ट्रेंड है वो ये पिछले 5-6-10 सालों से आया है। दे आर नॉट हेल्दी पीपल। अगर पतली लड़कियां होती थी तो ये कहा जाता था कहीं ना कहीं वो बीमारी से ग्रस्त है, ऐसी कोई बात है। वो माल न्यूट्रिशन बोला जाता है उन लोगों को जो जीरो पीरियड है। कहा जाता था कि मोटे जो लोग होते हैं खाते पीते घर के हैं, लेकिन आजकल मोटापे को देख के ये बोला जाता है, लगता है ज्यादा अमीर हो गए हैं, ज्यादा पैसा आ गया है, जो ज्यादा खाया जा रहा है, क्योंकि आजकल पैसे को ज्यादा अहमियत मिलती है ना, शायद इसीलिए। अदरवाइज प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। जब आप गेन कर लेते हो वेट, तो सबसे पहले तो आपके फ्रेंड्स बोलेंगे, उसके बाद फैमिली बोलेंगी, उसके बाद बाहर वाले लोग, धीरे धीरे सब बोलना स्टार्ट करेंगे। बट अंदर की सिचुएशन क्या है, हम मतलब बैकग्राउंड क्या है, या फिर मैं ये कहना चाहूंगी बिहाइंड द कर्टन क्या चल रहा है, वो किसी को नजर नहीं आता। आप क्यों किसी की प्रॉब्लम जानने की कोशिश नहीं करते कि अगर फैट है, ओबेसिटी है, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट। एक हाउसवाइफ है, एक हाउसवाइफ जिसके 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, उसके बाद क्या बोला जाता है, मैं तो बच्चे पैदा होने के बाद ही मोटी हो गई। ये रियलिटी है, बट कई हाउसवाइफ्स कवर कर लेती हैं इस चीज को अपने फिटनेस में। आजकल तो बहुत है क्योंकि गाइनीज ही बहुत बता देती हैं एक्सरसाइजेस वगैरह, बट एक हाउसवाइफ को ये बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि मैं कुछ साल पहले तक हाउसवाइफ थी। खासतौर पर अगर हम अपने देश की बात करें, विदेशों की बात करें, हमारे देश में कहीं ना कहीं ये माइंडसेट है कि महिलाएं जब एक बार प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बच्चा हो जाता है, उसके बाद एक माइंडसेट उनका रेडी है कि हाँ मुझे उसके बाद मोटा होना ही होना। आप सोचिए तो सही, रीजन क्या है? ये तो सिर्फ एक फीमेल ही बता सकती है और एक माँ बता सकती है कि रीजन क्या है। छोटा बच्चा है, आप उसका 2 साल का बच्चा है, अभी 2 साल का हो गया, चलिए जो तो पीरियड निकला है, पिछला प्रेगनेंसी का पीरियड हो या कोई भी पीरियड हो, उसमें तो वेट गेन होना ही होना है। लेकिन आप डिलीवर करने के बाद भी अगर 2 साल के बच्चे को आप खाना खिला रहे हो, आधा एक रोटी रखी है, एक रोटी में से आधी रोटी वो खुद खाएगा या खाएगी, आधी रोटी माँ को ही खानी पड़ती है, तो वो कहने का मतलब होता है देसी घी से लुपड़ी हुई, चिपड़ी हुई जो रोटी खाने को जाती है ना पेट में, तो ये अपने आप फैट बन के सामने आती है। और कई लेडीज में भी, मेल्स या फीमेल्स दोनों की बातें हो रही हैं, कि कई लोग इसको आदत बना देते हैं। तो ये आदत मेरे ख्याल से ज्यादा है, क्योंकि अगर हम डिलीवरी की बात करें, बच्चों की बात करें, तो विदेशों में भी होती है। Exactly. उसके बाद अपने ऊपर ध्यान रखती है, वो फिट रहती है। ये कहीं ना कहीं हमारे इसका देश एक में रीजन मैं और देना चाहूंगी, एक रीजन और देना चाहूंगी, हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन आर द 2 मेन रीजंस जो इंसान को ओवर ईटिंग के लिए मजबूर कर देते हैं। बरखा जी, देखा जाए तो आज अदनान सामी, अनंत अंबानी जैसे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, फिर हमें वजन कम करने में दिक्कत कहाँ आती है? क्योंकि उन लोगों ने, सबको ही पता है कि कुछ सर्जरीज करवाई हैं। जो एक चीज मैं बोलूं, प्लीज जी, प्लीज, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो सपोर्ट की आती है। ये तो शीज बरखा जी बिल्कुल राइट है कि सर्जरीज है, लेकिन आप जो प्रॉब्लम पूछ रहे हैं ना कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पे वेट रिड्यूस नहीं होता काफी लोगों का, 150 kg से कई लोग 60 पे आ जाते हैं और कई लोग 150 से 155 पे हो जाते हैं इतनी कोशिश करने के बाद भी, दैट इज द मेन रीजन, सपोर्ट नहीं मिलता। चाहे वो कोई भी सपोर्ट हो, फैमिली सपोर्ट हो, सोशल सपोर्ट हो, मोरल सपोर्ट। दिव्या जी, इंसान अपना मनोबल बहुत जल्दी खो देता है, तो किसी इंसान का जो वजन घटाने की कोशिश कर रहा है और फिर वजन नहीं घटता तो वो मायूस हो जाता है, ऐसे में उसका मनोबल कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, बेसिकली अगेन जैसे इन्होंने बोला कि सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज है, आपके घर वालों का सपोर्ट,
पूरी सोसाइटी का सपोर्ट. सो लाइक मैं जैसे मैंने अभी अब बताया कि मैंने बहुत सारे स्लिमिंग सेंटर्स ज्वाइन करे, होम्योपैथी, ओ नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, पता नहीं कौन कौन से इलाज नहीं करे. बट बाद में मुझे पता चला कि आई हैव सो मेनी हार्मोनल प्रॉब्लम्स. सो मेरा जैसे आपने क्या कुछ ऐसा भी कुछ किया, वो एड कैंपेन आते हैं कि अच्छा एक महीने आइए 2 किलो वजन घटेगा, 24 घंटे में 4 किलो घटेगा. मैंने 25-25 किलो का मैं नाम पता नहीं ले सकती हूँ कि नहीं यहाँ पे, लाइक VLCC में है, VLCC करा, पर्सनल पॉइंट करा, नेचुरोपैथी जो बैंगलोर से लोग आए घर पे. अच्छा दिव्या जी एक सीधा सवाल. हाँ जी. पॉकेट से पैसे घटे या वजन घटा? जी पॉकेट से तो बहुत पैसा, तभी तो मैं कह रही हूँ अब तो मैं थक चुकी हूँ इन सब चीजों से. अब जैसी हूँ वैसे ही अच्छी हूँ. और जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, कॉन्फिडेंस ओनली, दैट इज अ कॉन्फिडेंस. अगर आपसे कोई कह भी रहा है तो दे बी दे आर जेलस ऑफ यू. मैं भी इसी को फॉलो करती हूँ. एग्जैक्टली, यू हैव टू वेयर कॉन्फिडेंस रुचिका जी. बहुत अच्छी बात निकल कर यहाँ सामने आई है कि अगर कोई कॉम्प्लीमेंट कहें या कमेंट करें, अगर आपके ऊपर कोई कर भी रहा है तो आप उसे पॉजिटिव वे में लें. अगर आप अपने आप को पसंद करते हैं, आपके ऊपर, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल अगर है, तो कोई भी आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकता. ये सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के आ रही है. सारी महिलाएं ये बात कह रही हैं कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है और हम जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैं. बिल्कुल. सज्जन जी, किसी भी इंसान को अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए कि हम और हमारा परिवार मोटापे का शिकार हो ही ना? एक तो ये चेंजेस लाना चाहिए जी कि जो भोजन है वो दिन के वक्त ही किया जाए, सूर्यास्त से पहले. मैं सूर्यास्त के बाद भोजन करता हूँ, वो शरीर में पचता नहीं है, जिस वजह से ही वजन बढ़ता है. सज्जन जी आपकी बात ठीक है, लेकिन आजकल की जो दिनचर्या है, जिस तरीके के कामकाज लोगों के हैं, वो कहीं ना कहीं जो इंसान, जो आज की नई पीढ़ी है, वो 12-1 बजे से पहले सोती नहीं है. अगर हम आप पुरानी पीढ़ी की बात करें, वो कहीं ना कहीं 9-10 बजे सो जाती थी, तो वो दिन छिपने से पहले खाना खा लेते थे तो उन्हें भूख नहीं लगती थी. तो जो इंसान रात को 12-1 बजे सो रहा है, वो सूर्यास्त से पहले अगर खाना खा लेगा तो वो कैसे भूख नहीं लगेगी उसे? नहीं, भूख जो है ना, ये तो किसी समय भी लग सकती है, भूख का कोई टाइम नहीं है फिक्स. लेकिन अपने को सोचना ये है कि हमने किस समय खाना है. कंट्रोल जो है हमें अपने आप पे करना है, न कि कोई दूसरे के कहने से या करने से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. अगर हम अपनी इच्छा को मजबूत कर लें तो, और हम दिन से खाना शुरू कर दें, तो आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि वो डाइट टाइम ठीक नहीं है डिनर का, वो इसके पीछे बड़ी वजह है. बिल्कुल, टाइम पे खाना जरूरी है. अगर आप समय पर नहीं खाते हैं, उस समय आपको भूख लगी हुई है और आपने नहीं खाया, तो उससे भी आपके शरीर में जो भोजन पहले है, जो शरीर में गया है, ये शरीर की बनावट ऐसी है कि ये शरीर उसको रिजर्व कोटे में भेज देता है, रिजर्व एंड सरप्लस हेड में भेज देता है कि रुक जा भैया, आगे लगता है हड़ताल हो रही है, कुछ मिलने वाला नहीं है. तो इसलिए ये शरीर उसको जमा ही रख लेता है अंदर ही, वापस ही नहीं जाने देता है. मोंगा जी, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि कहीं जो पश्चिमीकरण हमें आता जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो हम इस बीमारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. आजकल सब जगह देखिए, खाना पीना, बच्चों का भी खाना पीना है, सब बर्गर पे पल रहे हैं. बर्गर, पेप्सी, ये सबसे बड़ा मोटापे की देन तो यही है. तो कहीं ना कहीं खाने को आप मानते हैं, जो फास्ट फूड आ गया है हमारे कंट्री में, वो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह, सबसे बड़ा रीजन यही है. आप पहले देखिए, जो लोग पुराने जमाना था, लोग हार्ड वर्किंग भी करते थे, खाना भी शुद्ध था, तो सब लोग ठीक. चलिए खाना तो वजह है, ठीक है मान लिया. ये फास्ट फूड हमारी नई पीढ़ी के अंदर आ गया है, वो हेल्दी खाना ना खा करके वो मैकडी में बर्गर खाएगा, KFC में जाकर वहाँ पर चिकन खा लेगा, लॉलीपॉप खा लेगा. लेकिन जो जिंदगी की दिनचर्या होती है, जो खासतौर पर आपकी पीढ़ी में देखा जाता था कि खेल कूद, बच्चा होता था बाहर जाता था, खेलता कूदता था, घूमता था. आजकल खेलना कूदना भी है तो वो वीडियो गेम में खेला जाएगा, मोबाइल पे चल रहा है, मोबाइल में खेला जाएगा. ये कहीं वजह नहीं है इसके पीछे? बहुत बड़ी वजह है, फिजिकल एक्टिविटी तो है. फिजिकल एक्टिविटी पूरी एक तरीके से खत्म हो चुकी है. आज हम लोग अगर मोटापे के शिकार हैं तो यही वजह है कि सुबह ऑफिस में 10 बजे जाके बैठे, शाम को 8 बजे से पहले उठना नहीं हो पाता, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है.
बट इसको चेंज कैसे किया जाए, फिजिकल एक्टिविटी लाई कैसी जाए, दिस इज द मेन पॉइंट आई थिंक। एक्टिविटी का सवाल है, लेकिन आजकल काम धंधे ऐसे हो गए हैं कि लोग उठ ही नहीं सकते। मैं उसी सवाल पर आ रहा था मोंगा जी, अगर आपकी कोई जेब काट कर भाग जाए तो आप क्या करेंगे? भाग जा भाई, और क्या करेंगे? सही बात है, ले जा भाई, कुछ नहीं करेंगे। तो उसमें कोई एक्टिविटी है सर? वो तो एक्टिव, वो एक्टिव तो वो हो गया ना, एक्टिव तो वो हो गया। तो क्या आप नई पीढ़ी को क्या बोलना चाहेंगे कि भी अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे सुधारें कि वो फिट रह सके? आप जितना फास्ट फूड से बचेंगे उतना ही बेटर रहेंगे, आप घर का शुद्ध खाइए। हालांकि आजकल जो नई पीढ़ी आ रही है, एक उसका पहलू ये है कि नई पीढ़ियां बाहर निकलना नहीं चाहती, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहती, लेकिन दूसरा पहलू उसका ये भी है कि जो मॉडलिंग की दुनिया है, फिल्मी दुनिया है, उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे हैं। और जो जिम है, अगर हम जिम में जाएं तो देखेंगे कि नई पीढ़ी के साथ साथ पुरानी पीढ़ी भी वहां पर कितनी एक्टिव है, लोग जाते हैं वहां पर। जिम में तो आजकल पाउडर से काम चल रहा है ना, पाउडर की बॉडियां बन रही है सब, वो एक्चुअली उनमें वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए। आजकल जो जिम में भी आप जाओ तो वो भी कहते हैं आप ये ड्रग्स ले लो, ये इंजेक्शन लगवा लो, इससे आपके मसल बनेंगे, ये होगा, लेकिन वो आने वाले टाइम में तो नुकसान ही करेंगे ना, क्योंकि एक तरह से तो कुल मिला के आपको एक आदि कर रहे हैं उन चीजों का, जी आप ये पाउडर पी लोगे तो आपके सिक्स पैक बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तो बहुत गलत है। बट मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि आउटडोर एक्टिविटीज बच्चों की बिल्कुल खत्म हो गई है। मेरे घर में दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे मतलब उनकी मतलब मदर ही उनको बाहर नहीं भेजती, आज सर्दी है, आज गर्मी है, एक तो ओवर प्रोटेक्टिव मदर्स हो गई हैं, दूसरी बात कि गैजेट्स इतने हो गए, दे जस्ट वांट टू प्ले ऑन मे बी आईफोन, आईपैड या अपना कंप्यूटर कर लिया, टीवी कर लिया। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मुझे आप सबसे बात करने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज और निकल के आ रही है कि आप सब लोग जो इतने बबली हैं, इतने खुश मिजाज हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रीजन है। छोटे लोग जी हमेशा खुश रहते हैं, वो डरते नहीं है अपनी प्रॉब्लम से। चलिए एक बार हम लखनऊ चलते हैं, जहां से हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपने सारी बातें यहाँ पर सुनी, सब यहाँ पर बातें कर रहे हैं, खुल के अपनी बातें सामने रख रहे हैं, एक डॉक्टर के नजरिए से हम ये जानना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं, अपने दर्शकों को हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम मेडिकल टर्म्स में बात करें तो एक डॉक्टर इसके बारे में क्या कहना चाहता है। देखिए, बेसिकली आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है, इनफैक्ट सारी चीजें एक फ्लोर पे हैं, सभी लोग इस बात को अवेयर भी हैं, जानते भी हैं, रीजंस भी समझते हैं। तो हमारे नजरिए से अगर आप देखेंगे तो ऑफकोर्स ओबेसिटी को अगर डिजीज से हम जो सबसे शुरुआत में बात हुई थी कि डिजीज नहीं है, तो एक पोर्शन जरूर ऐसा है जो डिजीज्ड है, ऐसा नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, कुछ हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है ओबेसिटी का। सो एक पोर्शन ऐसा जरूर है जो वहां से ओबेसिटी को लेता है जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के रूप में, यानी डायबिटीज हो गया, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आएंगे। अब बात उनकी हो रही है हैबिट, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि जो मेजर प्रॉब्लम है, उसके लिए तो हम सभी जानते हैं, हम सभी लोग बहुत अवेयर भी हैं, बट ऑफकोर्स हमारी हैबिट वो सबसे बड़ा रीजन है जो इसके बीच में आकर के प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि हमारी एक्टिविटी नहीं होती है, या सर्जरी की बात हो रही थी कि सर्जरी करा लेने से ऐसा हो जाता है, तो मैं एक एक चीज पे मैं बात करता हूँ। जो हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात हो रही है वो ट्रीटेबल है, अगर डायबिटीज है किसी को या थायराइड है या और कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं तो वो ट्रीट किए जा सकते हैं अच्छी जगह पे, सही जगह पे उसको फॉलोअप में रहें, तो ऐसा नहीं है, वो ट्रीटेबल है। दूसरा होता है हमारी हैबिट, जिसकी वजह से हमारा जो आप अभी सर्जरी की बात कर रहे थे, वो बेसिकली बैरियाट्रिक सर्जरी जो आजकल बहुत नाम लिया जा रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही है, उसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा स्टमक का साइज बढ़ जाता है, और साइज बढ़ता क्यों है, वो हमारी आदतों की वजह से, हमारी फूडिंग हैबिट की वजह से, और हम लगातार फूड को इनटेक करते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा कैलरी करते हैं, या किसी भी वजह से, मे बी स्ट्रेस हो सकता है, मे बी एक हमारी हैबिट बन गई है उसकी वजह से हो सकता है, मल्टीपल रीजंस हैं उसके पीछे। अब बात यहाँ पे आती है कि हम इस आदत को कैसे करें ठीक, यानी हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको हम कैसे कर सकते हैं। हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आज की डेट में इंक्लूड हो गई हैं, हम मार्केट में जाते हैं तो ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, ब्रांड्स अवेलेबल हैं, लेबल्स अवेलेबल हैं डिफरेंट, जैसे आपने नाम भी लिया अभी, मैकडी भी है, KFC भी है, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं
जो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हम खुद चले जाते हैं उस तरफ की, अच्छा देखेंगे क्या चीज़ है, ये क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं या क्या किन चीज़ों में ये कितना एक्स्ट्रा हमें कैलरी दे देते हैं। ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का काटा हम ही से निकलेगा। बिल्कुल दोस्तों, जो खुद हम अपने लिए कर सकते हैं वो कोई और कहाँ कर सकता है, बस जरूरत होती है थोड़े जज्बे और सही गाइडेंस की। खैर फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस बात पर चर्चा जारी रहेगी। प्राउड न्यूज उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल 546 पर, एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर, डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 344 और 348 पर और नेटविजन के चैनल नंबर 209 पर। प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जिनसे लिए वो, उन्हीं पर की चोट, बस और नहीं। अब जनता देगी वोट की चोट। जनता बोल आंखें खोल, रोजाना शाम 5:30 बजे। प्राइम न्यूज उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 546 पर, एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर, डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 344 और 348 पर और नेटविजन के चैनल 209 पर। प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जिनसे लिए वो, उन्हीं पर की चोट, बस और नहीं। अब जनता देगी वोट की चोट। जनता बोल आंखें खोल, रोजाना शाम 5:30 बजे। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये भी जरूरी है। दोस्तों, कठिनाइयां जितनी मर्जी हो, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम एक बार फिर रुख करते हैं सीधे लखनऊ का, जहां से डॉक्टर देवेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मोटापे के लक्षण क्या हैं? जो मोटापे वाली आबादी आज हमारे समाज में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, मोटापा बेसिकली हम इसको मानते हैं जो हमारा बॉडी हाइट के अकॉर्डिंग, हमारा बॉडी का जो BMI BMR जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। I mean, कहने का मतलब यह है कि हमारा जो बॉडी का जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला होता है, जिसको हम निकाल करके ये डिसाइड करते हैं कि हमारा ओबेसिटी लेवल, इससे हमारा फैट लेवल कितना ज़्यादा है। तो फैट बेसिकली वो हुआ या मोटापा वो हुआ जो आपकी नॉर्मल दिनचर्या को बाधित करता है। आप नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ को भी अपनी तरफ बुलाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या थायराइड है या डिफरेंट और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न है। डॉक्टर साहब, अभी आपने ये खाने पीने की बातें करी थी, मैकडी की बात करी थी। हमारे साथ यहाँ पैनलिस्ट मौजूद हैं कुछ, और उनके कुछ सवाल हैं आपसे।
रुचिका जी। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूंगी कि जैसे मेरा केस ही थोड़ा डिफरेंट है, मैं खाती नहीं हूँ और फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। मुझे डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप दो दो घंटे में खाया कीजिए। ऑफ कोर्स, जो आपको एडवाइस देखिए, जो आपको एडवाइस किया जाता होगा वो ऑफ कोर्स हमारा कैलोरी इनटेक एक फिक्स्ड है, हमारा बॉडी के हिसाब से हमें कितना कैलोरी लेना चाहिए और कितना बर्न करना चाहिए, यही तो बैलेंस है बेसिकली डेली हमारे रूटीन का, ये आपको भी पता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो जो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप कुछ कुछ देर पे खाइए, वो कुछ एक प्रॉब्लम्स के साथ भी दिया जाता है, जैसे कि किसी को डायबिटिक है, ग्लूकोज लेवल बहुत जल्दी कम हो जाता है, तो उनको एडवाइस किया जाता है कि आप इतना कैलोरी एटलीस्ट इतने इतने इंटरवल पे जरूर खाएं। दूसरा क्या होता है कि हमारा अगर बॉडी का कैलोरी एक्सपेंडिचर वो रूटीन में है तो ऑफकोर्स ये कुछ कुछ टाइम के बाद, थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद हमें हल्का सा कुछ भी हेल्दी फूड खाना चाहिए, ये सच है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा कैलोरी कंजम्पशन भी पूरे डे के शेड्यूल के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक पैनलिस्ट और हैं, दिव्या जी, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया था कि बरियाट्रिक सर्जरी जो के बारे में कि खाने से मतलब पेट बड़ा हो जाता है एंड उसकी वजह से आप बरियाट्रिक सर्जरी करते हैं, तो मुझे और जानना था बरियाट्रिक सर्जरी, बिकॉज अगेन जैसे रुचिका जी बोल रही है, मेरी भी एपेटाइट बहुत कम है, तो मेरे को पता नहीं कि वाई यू नो बरियाट्रिक सर्जरी वुड इट हेल्प इन दिस केस और नॉट। जैसे आपने कहा कि आपकी डाइट कम है, तो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका डेली शेड्यूल कैलोरी कंजम्पशन को लेकर के क्या फिजिकल एक्टिविटी दिन भर रहती है डेली शेड्यूल में? फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगेन हम लोग का काम ज्यादातर यू नो मीटिंग्स होती है या फोन पे होता है, तो फिजिकल एक्टिविटी तो ज्यादा नहीं है। बट अगर आप देखा जाए तो सुबह अगर मैंने ब्रेकफास्ट करा, उसके बाद सीधा डिनर है, बीच में टाइम भी नहीं है खाने का, तो मतलब एज सच खाना बिल्कुल भी नहीं है। दिव्या जी, आप एक बार डॉक्टर साहब को अपना वजन बता दीजिए, फिर शायद वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। मतलब आई थिंक इट शुड बी मोर देन 100 kg। अब तो मुझे वजन तोले में भी बहुत टाइम हो गया तो इसलिए जी डॉक्टर साहब देखिए, जो आपका वजन है उसके हिसाब से आपको कैलोरी ऑफ कोर्स वो डिमांड करता है बॉडी, क्योंकि वो कंज्यूम भी होती है डिफरेंट फॉर्म में अंदर। बट फिजिकल एक्टिविटी आपने जैसे कहा कि बहुत नहीं है, तो सबसे बड़ा एक रीजन ये भी तो है ओबेसिटी का। अब आप बताते हैं आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है, तो ये ऑफ कोर्स बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसी के बारे में ही एक्चुअली हम सबको सोचना चाहिए कि हमारी लाइफस्टाइल जो है उसको हमें ऑल्टर करने की जरूरत है। यही एकमात्र सोल्यूशन भी है इसका, कोई ऐसा ऐसी कोई टैबलेट नहीं बनी है, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना है कि वो एकदम आपको रातों रात कुछ ऐसा चेंज ला देगा। एक पेशेंस वो हमारे अंदर बहुत कम होता है, परसिस्टेंटली हम एक चीज को अगर फॉलो करें, एक हमें फिजिकल एक्टिविटी का चार्ट जो भी हम फॉलो करना चाहते हैं जैसा भी है, बट वी हैव टू फॉलो, दूसरा कोई शॉर्टकट इसका है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात आपने बताया कि आपकी इनटेक डाइट बहुत कम है, तो इनटेक डाइट कम उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, जैसे आपका वेट के बारे में आपने बताया अभी। डाइट तो जी सुबह जैसे मैंने बताया कि सुबह उठे तो लाइक 10-11 बजे अपना सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, उसमें मे बी 2 pieces ऑफ ब्रेड एंड 1 glass ऑफ कोल्ड कॉफी, एंड रात को 2 फुलके, सब्जी, दाल, यही वो है। दिन में कुछ अगर चलते फिरते थोड़ा बहुत, कभी खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया, कोई ऐसा नहीं। मीटिंग्स के दौरान आप कुछ इनटेक होता होगा? बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ कॉफी या चाय कभी पी ली, मतलब तभी, मतलब अगर देखा जाए एक बच्चे से भी कम की डाइट है, बट फिर भी मतलब वेट बढ़ता जा रहा है, तो देयर एंड जैसे मैंने पहले भी बोला था कि सब कुछ करके डॉक्टर साहब, इनके केस में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इनकी पॉकेट बहुत हल्की हुई लेकिन वजन हल्का नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी उस दौरान क्या क्या चीज़ें हुई हैं उस पूरे प्रोसेस में, जहाँ भी आप एंगेज थी जिम में या जिस जगह भी फिटनेस प्लेस पे, लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है देखिए, ये और ये बेसिक है, एक चीज़ तो ये कि आपका पहले तो प्रोफाइल, अगर आप बोलते हैं कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंसेज नहीं है, मुझे लगता है कि आपके केस में मे बी ऐसा हो सकता है, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है, तो वो सबसे बड़ा रीज़न है नंबर वन, तो उसको एड्रेस किए बिना तो आपकी ओबेसिटी को हैंडल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा।
तो मे बी शायद वो लोग जहाँ पे आप अटैच थी, जहाँ पे जिस सिस्टम में आप जिम या जो भी फिटनेस कर रही थी, उन लोगों को ये नहीं पता होगा कि एक ये प्रोसेस को किस तरीके से हैंडल करना है, आपके केस को बेसिकली कैसे हैंडल करना है। तो मेरा ये सजेशन है किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जो इंडोक्राइन स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी हार्मोन्स के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं, और उनको एक बार जाकर जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि सिर्फ इसको ऐसे बढ़ाते जाने का मतलब है कुछ नई प्रॉब्लम्स को भी इन्वाइट करना। डॉक्टर साहब, एक मेरे दिमाग में भी एक सवाल आ रहा है, क्योंकि यहाँ सारी बातें हो रही हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तो महिला कहीं ना कहीं अपनी उम्र छुपाती हैं, लेकिन आज एक नई बात निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं महिलाएं अपना वजन भी छुपाती हैं। वो छुपाए नहीं, दिख रहा है वो तो सब कुछ। डॉक्टर साहब, आज वजन घटाने के बहुत से नुस्खे बाजार में हैं, कई बार हम ऐसी चीज भी ले लेते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं होती, तो ऐसे में क्या सलाह देते हैं आप अपने क्लाइंट्स को कि वो कैसे वजन कम करें? देखिए, दो तीन चीजें मैं सीक्वेंस में बताता हूँ। एक बड़ा अच्छा पैनल पे भी आपने डिस्कशन में किसी ने बताया, जिक्र किया था कि हमारा जो है बर्गर पे और पेप्सी पे हम डिपेंड करते हैं, तो हमारी डाइट, एक तो हम ये भी जानते हैं कि हमें खाना क्या चाहिए, हम क्या खा रहे हैं, क्या अवेलेबल है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये होता है कि जो भी हम फूड, यानी जो हम वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, जो भी वेजिटेबल्स हमारे पास आसपास एनवायरनमेंट में अभी जो भी हमारे पास बाजार में मार्केट में है अवेलेबल, उसमें भी बहुत सारे अडल्ट्रेशंस हैं, बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्शंस लगा के उनको जो है बड़ा किया जाता है। हम सभी जानते हैं इसके बारे में, बार बार बीच बीच में भी आप लोग प्रोग्राम्स भी करते हैं और इस तरह से आता भी है। तो जो हमारा जो वेजिटेबल है, कहीं ना कहीं हमारा फूड वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस तरीके से, जो हमारे केसेस बढ़े हैं, यानी नंबर ऑफ केसेस बढ़े, पहले भी थे लोग ओबीज, बट जो अब एकदम से चेंजेस आने शुरू हुए हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा जो खाना है वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही बात कही, हम आपके पास वापस आएंगे। अभी रुचिका जी, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आज 6 पैक और 8 पैक का दौर है, परफेक्ट फिगर का दौर है, ऐसे में जब कोई सुडौल शरीर वाला व्यक्ति आपके सामने आता है तो आप क्या महसूस करती हैं? मुझे सच कुछ इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बिकॉज वो आते हैं और मुझे बोलते हैं यस मैम क्या करना है। दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। और दूसरा, ये मेरे को एक डॉक्टर साहब से ये भी पूछना था, क्या हमारे नींद का भी मोटापे से कनेक्शन है, क्योंकि मुझे 2 या 3 घंटे से ज्यादा नींद मिलती नहीं है। चलिए, आपका सवाल डॉक्टर साहब से पूछेंगे। बरखा जी, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आपका भी सेम जवाब। नहीं, एक क्वेश्चन और है डॉक्टर साहब से, मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या एज फैक्टर वाकई मैटर करता है वेट गेन करने? डॉक्टर साहब आपके पास वापस आना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ पर आपके लिए आ गए हैं, एक एक कर आपसे पूछना चाहते हैं। रुचिका जी। हाँ जी, मैं पूछना चाहूंगी कि क्या हमारी नींद का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मुझे 2 या 3 घंटे की नींद मिलती है बस। जी डॉक्टर साहब, मैं इसके बारे में आंसर करता हूँ। मैं एक सवाल पिछला वाला जो था उसका आंसर एक छोटा सा रह गया है। एक आपने सवाल किया था खान साहब ने, आप जो आप देख रहे हैं प्रोग्राम को, कि हमारे खाने का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जैसे जिम में और जहाँ जहाँ भी फिजिकल फिटनेस एरिया में जाके हम लोग पाउडर और ये चीज़ें ले रहे हैं, उसका इफेक्ट कितना पड़ता है? उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो जितने भी प्रोटीन पाउडर्स या व्हाटएवर जो भी अवेलेबल है मार्केट में, उनमें बहुत सारे अडल्ट्रेशंस हैं, स्टेराइड भी होते हैं। सब लोग जानते हैं कि हाँ इसमें स्टेराइड है, फिर भी इनटेक करते हैं, बट उन सबके बहुत बड़े बड़े साइड इफेक्ट्स हैं जो हमारे किडनी में, लिवर में और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में इफेक्ट डालते हैं। तो वो एक पार्ट था जो अभी आपके क्वेश्चन का रह गया था, जिसको मैं आंसर करना चाह रहा था कि वो हमें नहीं लेना चाहिए, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसे पाउडर नहीं आते जो उनको बढ़ा दे वजन को, और ऐसे कोई पाउडर या दवा नहीं आती जो वजन को घटा दे, दोनों ही सूरतों में वो दवा पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरा आपने सवाल किया कि नींद का क्या असर रहता है। देखिए, नींद का असर तो आपके पूरे बॉडी पे रहता है, आपके दिमाग पे भी होता है, आपके डाइजेशन पे भी होता है, हमारे पूरे बॉडी के ऊपर हमारे स्लीप का बहुत 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 मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमारे स्ट्रेस लेवल पे होता है, हमारा साइकोलॉजिकल, हमें बहुत सारे स्ट्रेस लेते हैं, नींद नहीं आती, उसकी इंसोमनिया की वजह से हम मे बी फिर रात में ज़्यादा देर तक जागते हैं, तो कुछ कुछ खाने का मन करने लग जाता है। अगर आप सोचें कि रात में आप 2 बजे 3 बजे तक सो रहे हैं, तो उस बीच में आपको भूख भी लगेगी, आप टीवी देख रहे हैं तो आप चाहेंगे कुछ खाना भी साथ में चलता रहे, अभी हमें भूख लगनी शुरू हो गई, तो वो कहीं ना कहीं आपको और इन्वाइट करता है खाने के लिए, इंसोम्निया। जी,
सपना जी हैं हमारे साथ, उनका भी एक सवाल है आपसे। जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या एज फैक्टर इक्वली रिस्पॉन्सिबल है वेट गेन के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज का ओबेसिटी से रिलेशन नहीं है, और जो रिलेशन है वो बहुत छोटा है, क्योंकि एज के साथ कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उनको हमें, अगर हमको ये इतनी समझ होती है इन चीज़ों को, हम अवेयर हो भी चुके, अर्बन में तो हम शहर में इतने आर्टिकल्स रोज निकलते हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं, कि हमें कैसे उसके हिसाब से अपने आप को ढालना है और चेंज करना है। थोड़ा सा चेंज आता है ज़रूर, मानता हूँ मैं, लेकिन वो इतना मेजर नहीं है कि वो आप एकदम से बहुत ओबीज हो जाएं और या बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है जो सोसाइटी में सुनने को मिलता है कि 40 के बाद 40 प्लस हो जाओगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी वेट रिड्यूस करने जी, में। जी जी एक्चुअली होता क्या है, 40 के बाद जो हमारा फैट है वो टमी एरिया पे, और चूंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, क्योंकि वो 40 पे आते आते विजिबल होने लगता है, उसके पहले हमारी एक्टिविटी लेवल भी बहुत ज्यादा होते हैं। अभी 20-22 साल में होता है, जिम भी जाएंगे। ये तो डॉक्टर साहब, ये एक तरीके से मिथ बना दी गई है, नहीं तो अगर हम बाहर विदेशों में देखते हैं लोग 70-80 साल तक फिट नजर आते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल वो है हमारे देश में ही आजकल, हम अगर सेलिब्रिटीज को अपने देखते हैं जिन्हें हम फॉलो भी करते हैं, उन्हें आप देखिए 60-70 साल के हैं और वो पूरी तरह से फिट होते हैं। हम आपके पास वापस आएंगे, उससे पहले मोंगा जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार के बाकी के सदस्य भी ऐसे ही हैं। हमारी फैमिली हेरिडिटी है ये सब जी, तो क्या वजह नजर आती है इसके पीछे? सर खान पान अच्छा है, कुछ हमारा पूरा परिवार, चाहे बुआ के बच्चे हैं, मामा के बच्चे हैं, सब एक जैसे हैं। अगर सब लोग एक तरफ इकट्ठे खड़े हो जाएं तो एक आधा फुट तो जमीन बिठा दें तो कहीं तो हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग मोटे हैं तो कुछ अलग है, उल्टा लगता है कहीं जाते हैं तो लगता है कुछ आया है। तो मतलब आपका परिवार सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आपका परिवार में सबका साथ सबका विकास, सबका इसलिए कभी महसूस नहीं हुआ। इसमें जिंदगी जिंदा दिली का नाम है आपके फिजिकल अपीयरेंस के जैसे भी हो। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, ये सबका साथ सबका विकास सबसे बड़ा एग्जांपल आपका परिवार। ये अच्छा लगता है ये कहीं नहीं, हमें कभी कॉम्प्लेक्स नहीं आया इसको लेकर। अच्छा लगता है, भीड़ में भी अलग पता चल जाता है ये मोंगा जी के परिवार। हाँ नेचुरली ये तो है ही ना कि अब हम एक तरफ खड़े हैं, सब तो लगता है यार वो खड़े हैं ना, वो उधर एक आदमी 10 के बराबर लगता है ना वहां। नहीं बहुत डॉक्टर साहब, ये एक बात यहाँ निकल कर आई है कि कहीं ना कहीं जो जेनेटिक टर्म्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, क्या वो भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? जैसे एक मोंगा जी का परिवार है, उनका कहना यह है कि पूरा उनका परिवार जो है वो इसी तरीके से है। बिल्कुल, मैं शुरुआत में भी मैंने ये बात बताई थी आपको, जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे हैं और जीन्स कैरी करती हैं नेक्स्ट जनरेशन में भी, तो ऑफ कोर्स ये एक रीज़न है जेनेटिक जो मतलब मैटर करता है और आगे फैमिली में प्रेजेंट भी होता है, नेक्स्ट जनरेशन में भी जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को अगर आप बता सकें कि मोटापा किन किन बीमारियों की जड़ है? देखिए मोटापा, हम अगर एक सीक्वेंस शुरू करते हैं, मोटा आदमी होगा तो क्या होगा, उसका मूवमेंट कम होगा। अगर जो मूवमेंट होगा तो प्रेशर कहाँ पे जाएगा, जॉइंट्स पे जाएगा, नी पे जाएगा, एंकल पे जाएगा, ज्वाइंट पे, जितने भी ज्वाइंट्स हैं हमारे जहाँ पे वेट वो कैरी करेगा, तो एक ज्वाइंट के डिसऑर्डर शुरू हो जाएंगे। दूसरा है कि कुछ नर्व्स के कंप्रेशंस होंगे, जब वो वेट बढ़ेगा तो नर्व कंप्रेशंस स्टार्ट होंगे, तो जाहिर बात है कि वो कहीं ना कहीं हमारे नर्व की इश्यूज शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होता है कि जब एक्सेस फैट है जो बल्ज कर रहा है, कुछ हमारे एरियाज के ऊपर डबल लेयर भी बन रही है, तो स्किन पे बहुत सारे जो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन है वो इनिशिएट हो जाते हैं। यानी सबसे कॉमन तो फंगल है, फंगस सबसे पहले रिटेन होता है वहां पर जहां भी हमारे इंट्राट्रिजिनस एरिया, जहां पे फोल्ड्स बनते हैं, उन एरियाज पे फंगस डेवलप हो जाएगा। अच्छा, दूसरा फिर क्या होगा कि स्किन टैग्स एक प्रॉब्लम होती है नेक पे, कुछ लोगों को देखा होगा छोटे छोटे टैग्स बन जाते हैं डिफरेंट, फेस पे आ जाते हैं, बगल में होते हैं, साइड के एरियाज में होते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक चीज ओबेसिटी शुरू हुई, उसके साथ में हमें ज्वाइंट पेन भी मिल गया, हमारे स्किन पे डिफरेंट तरह के लीजन्स आने शुरू हो गए। फिर हम आते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, यानी हार्ट के सिस्टम पर। अब जितना ओबीज आदमी, जितना उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, हार्ट को उतना ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा।
अच्छा, फैट अगर हमारे पास एक्सेस जमा हो रहा है तो जाहिर है जब स्किन में फैट जमा हो रहा है तो वो हमारे आर्टरीज में यानी हमारी खून की नलियों में भी जमा होगा, तो वहां जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना जब शुरू होता है तो हम बोलते हैं कि अब इनकी आर्टरी ब्लॉक हो रही है, तो एक हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है उसके साथ में। डायबिटीज मोटापे की वजह से और या मोटापा या डायबिटीज होने की वजह से मोटापा, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। थायराइड एक तरीके से डॉक्टर साहब देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है ये मोटापा। बिल्कुल आपके पास वापस आएंगे। अभी बरका जी आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा लम्हा आया जब मोटापे की वजह से आपको कोई बुरा महसूस हुआ हो, कोई आपका काम इम्पैक्ट हुआ हो, इफेक्ट हुआ हो? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं आया। सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप सबकी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा लम्हा आया को आपको मोटापे की वजह से कोई दिक्कत आई? आमतौर पे अगर फ्लाइट पे जाते हैं इकोनॉमिक क्लास में सीट पे नहीं बैठा जाता, वो टाइट है उनको थोड़ा खुला करो। दो सीट लेनी पड़ती है आपको? नहीं दो तो नहीं, लेकिन बड़ा मुश्किल से बैठना पड़ता है। ये जो जिस सीट पे आप अभी बैठे हैं ठीक से बैठे हैं? मुझे डाउट है कि टूटने वाली है। तो क्या आपको दो सीट बुक करनी पड़ती है फ्लाइट? नहीं, फिर बिजनेस क्लास में जाना पड़ता है, उसकी वजह से पैसे ज्यादा लग जाते हैं। पैसों का नुकसान हुआ? पैसों का नुकसान। और कोई? बट बिल्कुल, मतलब सोसाइटी से भी बहुत, मतलब लोग बहुत मुड़ मुड़ के देखते हैं कितनी बारी, एंड बहुत मतलब अजीब फील होता है बिकॉज यहाँ पर ऐसे, मतलब इंडिया में होके मैं बहुत ऐसे कपड़े हैं जो नहीं पहनती हूँ, जब मैं विदेश जाती हूँ मैं वहाँ आराम से पहनती हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई भी, सब अपने में बिजी हैं। यहाँ पे लोग दूसरे की लाइफ में ज्यादा बिजी हैं, दूसरे को ज्यादा देखते हैं मुड़ मुड़ के। मेरे को समझ नहीं आता जैसे मुड़ मुड़ के बात है या विदेश में आप जैसे और भी लोग बहुत सारे मिल जाते हैं तो आप मिक्सअप कर जाते हैं। बिल्कुल नहीं, बात आपकी ये बात भी सही है, बट वहाँ पे एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन लाइव्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप कैसे भी कपड़ों में चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दे आर नॉट बॉदर्ड। यहाँ पे तो मतलब तुम किसी पार्टी में चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, इफ यू आर नॉट यू नो वेयरिंग मे बी अ सूट तो लोग ऐसे देखते हैं कि क्या यू नो कि मतलब इतना बड़ा बॉडी लेकर हाउ कैन यू वेयर दैट, वो लुक्स वैसी आती हैं। पहले मैं सिर्फ आपने ये पहन कैसे लिया? Exactly. मैं फिर भी कहूंगी ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो भी आप पहने अपने किसी भी अपीयरेंस के साथ वो आप कैरी कर सके। आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों का भविष्य प्रिडिक्ट करती है, क्या आपके भविष्य पर भी मोटापे की वजह से कभी कोई प्रश्न चिन्ह लगा? हाँ बहुत ज्यादा, प्रश्न चिन्ह तो नहीं बोलूंगी एग्जैक्टली, बट दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास कॉलेज गर्ल्स आके पूछती हैं। टैरो रीडिंग बेसिकली ज्यादा फेमस यंगस्टर्स में है ज्यादातर, घर के पीछे ही कॉलेज है तो उन्हें अच्छे से पता है कि सपना इज अ टैरो कार्ड रीडर, नोन से पता चल जाता है। तो काफी लोगों का क्वेश्चन सिर्फ टैरो पे यही खुलता है, मैम मैं पतली कब होंगी? सो दैट इज द आई थिंक पूरी सोसाइटी में सिर्फ आजकल यही है कि और वाकई आई कैन प्रिडिक्ट इट कब पतले होंगे, बट अपने लिए आई कांट प्रिडिक्ट, खोला नहीं आपने। ठीक है, आपने आपने दूसरों के पत्ते खोल दिए, अपने पत्ते कब खोलेंगे? अपने पत्ते नहीं, अभी नहीं, टाइम आने पे सब खुलेंगे। कब आएगा वो सही समय आप आज बताएं कैमरे जी? आज ही से स्टार्ट हो गया बस। नहीं, और कोई अगर कोई शेयर करना चाहे कुछ ऐसी, किसी के साथ कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं, वो एक्चुअली मेन प्रॉब्लम मेरे ख्याल से वो सबके साथ ही होगी, जितना सोसाइटी को फेस करने की प्रॉब्लम नहीं आती, एक है ड्रॉबैक जो फैट को लेके है, वो है आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं बॉडी में। आप कितना मर्जी छुपाएं वो एक पर्टिकुलर एज के बाद आना, मतलब दिखना शुरू हो जाते हैं। तो मे बी दिस इज द ऐसा नहीं है जी, आज मेरी 50 साल की उम्र है। हाँ जी, एक सिर्फ बीपी की प्रॉब्लम है। हाँ। वो टेंशन इतनी है बिजनेस की, ये वो सब, वो रीजन मुझे, आप मुझे, भी नहीं मुझे, मुझे शुगर नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, और मैं कम से कम डेली 2-3 किलोमीटर चल भी लेता हूँ आराम से, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उल्टा जितनी सैर करता हूँ उतना और सैर हो रही है। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हूँ, मैं किचन में भी काम कर लेती हूँ, ऑफिस भी चली जाती हूँ, गाड़ी भी चलाती हूँ इतनी दूर दूर, तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। बल्कि मोटे लोग ज्यादातर एक्टिव ही होते हैं, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से कि हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं, डेफिनेटली है। ये तो गलत धारणा है कि मोटे लोग काम नहीं कर सकते हैं, वो एक ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, दे आर हाइपर एक्टिव। मोटापा निशानी है कि आप ज्यादा काम कर रहे हो, वो है ना कहावत, जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है,
हम सिर्फ आपको सचेत करना चाहते हैं। इसलिए जाते जाते डॉक्टर साहब मेरा आपसे आखिरी में ये सवाल है कि ये लड़ाई बेशक मुश्किल होती है लेकिन नामुमकिन नहीं, तो इस लड़ाई में जीत पाने का मूल मंत्र क्या है? आखिरी में जो हमारे सारे यहाँ पैनलिस्ट मौजूद हैं, बहुत जल्दी जल्दी से उनके कंक्लूडिंग कमेंट मैं चाहूंगा क्योंकि समय की बहुत कमी है। मोंगा जी से शुरुआत करते हैं। सर खाओ पियो मस्त रहो, देखी जाएगी। जो जो कहावत है कि खाते पीते घर के लोग, हाँ खाते पीते, उसी को हमें आगे बढ़ाना है, उसी को आगे बढ़ाना है। ठीक सर, देखो जी अभी जब तक प्रॉब्लम नहीं आती है जी तो गाड़ी चल रही है, बाकी घुटनों की प्रॉब्लम तो आनी आनी है। अगर वजन बढ़ेगा तो डॉक्टर साहब वाली बात ठीक है कि घुटने तो खराब होंगे। जी दीपा जी, आई थिंक जियो और जीने दो। जैसे सब जी रहे हैं हमें भी जीने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो पलट पलट कर जो लोग देखते हैं उन्हें देखना बंद कर दे। तो ये भी तो हो सकता है कि वो आप में इंटरेस्टेड हो, देवा हिटिंग ऑन यू। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं पलट पलट के देखते हो तो डरे ना, जाके सीधा दिव्या जी से बात करें। जी सपना जी, जी एक लास्ट कमेंट कहें आप जो भी कहना चाहें, वो ये है कि जीवन में एक ये रीजन नहीं है कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ये मोटापा क्या चीज है, प्रमोशन से अपनी आपकी ग्रोथ से आपकी प्रोग्रेस से आपको रोकने वाला, प्लीज इसको कांटा मत बनने दीजिए। सो वी आर कॉन्फिडेंस, वी आर स्माइल ऑलवेज। मोटापा कांटा नहीं है, मोटापा कांटा नहीं है, आप कितनी भी प्रोग्रेस करिए आपको कौन रोक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बातें बिल्कुल, ये चक्कर क्या है दोनों बातें। मैं वही कहना चाहूंगी फिर से, जिंदगी हमारे जैसा शो भी है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस जैसी भी हो आप खुश होके जिए लेकिन हेल्दी रहिए। बहुत अच्छी बात। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि आप अपनी बॉडी से प्यार कीजिए, नो बॉडी शेम। जैसे आप हैं, जैसे आप दिखना चाहते हैं, जो आपका दिल करता है वही कीजिए, किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए और खुश रहिए। बहुत अच्छी बात कही। सबसे बड़ी चीज यहाँ निकल कर ये आई कि जिंदगी में हम जब बात करते हैं तो ज्यादातर टॉपिक्स बहुत सीरियस होते हैं, इमोशनल होते हैं। जिंदगी के सेट के ऊपर हमने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करी है। आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, कंटिन्यू देखते रहते हैं इस मंच पर, इस प्रोग्राम में आपने लोगों को रोते हुए देखा है, उनकी आंखों से आंसू निकलते हुए देखा है, बिलक बिलक कर कैमरे के सामने रोते हुए देखा है, अपने दिल की बातें रखते हुए देखा है। बहुत सीरियस शो ये माना जाता है लेकिन जिंदगी का ये पहला शो होगा। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, जब इस प्रोग्राम के अंदर मैं आकर बैठा था तो मैंने ये सोचा था कि बहुत सीरियस शो होने वाला है, यहाँ भी कुछ अलग बातें होंगी, सीरियस बातें होंगी, लोग हो सकता है अपना दर्द रखेंगे कि मोटापे की वजह से उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये शो जो निकल के आया, एक तरीके से मैं ये कहूंगा लाफ्टर शो निकल के आया। जितना सरप्राइज आप हुए हैं उससे ज्यादा मैं हुआ हूं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। जिस हालात में आप हो, जिस हालात में ऊपर वाले ने आपको रखा है, आप उसमें खुश रहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे आप नीचे ना जाने दें, डीमोटिवेट ना हो। दुनिया आपके ऊपर हंस नहीं रही, अगर आपके ऊपर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपका कोई मजाक नहीं बना सकता। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। मायूस मत होना, यह एक गुनाह होता है, मिलता है वही जो किस्मत में लिखा होता है। हर चीज मिले आसानी से यह जरूरी तो नहीं, मुश्किलों के दौर में ही हिम्मत का पता चलता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको हिम्मत नहीं हारनी, हर मुश्किल का सामना करना है, मायूस नहीं होना। बस देखिए आप कैसे इस मोटापे से मुक्ति पाते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी और आखिर में देखिएगा जीत आपकी ही होगी। हमें उम्मीद है जिंदगी की परेशानी को आप समझेंगे और आज के हमारे एपिसोड से कोई ना कोई प्रेरणा जरूर लेंगे। अगर वाकई में हम आपकी प्रेरणा बन पाए हैं तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत कामयाब हुई। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नई मुहिम के साथ।
तब तक के लिए मैं और जिंदगी की पूरी टीम आपसे लेती है अलविदा। नमस्कार। प्राइम न्यूज उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 546 पर, एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर, डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 344 और 3